ये कहाँ गया यार? अरे यार, आजकल मेरा भाई डेली अकेले घर चला जाता है, क्या करूं मैं इस लड़के का। अरे वो छोड़, बस ये बता आज के मैथ्स के लेक्चर में कुछ समझा? मुझे तो इतनी नींद आ रही थी यार, ऊपर से इतना सारा होमवर्क दिया मैं है। तो मैथ्स वैथ्स छोड़ रही हूँ, बायो लूंगी, डॉक्टर बनूंगी, काम खत्म। कम से कम मैथ्स तो नहीं रहेगा वहां पे। वो सर बोलते हैं प्रूव दिस इज अ ट्रायंगल। अरे दिख रहा है ना ट्रायंगल, प्रूव करने की क्या जरूरत है। चल ठीक है, बाय 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 बाय। अरे कुत्ते, अपने दोस्तों पे पत्थर फेंक रहे। काम कर अपना, जब वो काटेगा ना तब पता चलेगा तुझे। आजा आजा अपने काम से काम रख। मैं बता दूंगी मम्मी को, चल चुपचाप घर पे रुक। बता सुशांत, क्या हुआ ये, कैसे लगी? बोलेगा कैसे लगी? कुत्ते ने काट लिया। बोला था तुझे मत कर कुछ भी, पर तुझे मेरी सुननी नहीं होती है। ज्ञान मत दियो। नहीं तू चल, पापा से जब कुटाई होगी ना तेरी तब तुझे अक्कल आएगी। जी 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 नहीं प्लीज, मम्मी को मत बता दीदी प्लीज, पापा डांटेंगे। ये ज्यादा नहीं लगा, तू बस बैंडेज कर दे ठीक हो जाएगा प्लीज दीदी। मैं पापा को बताने वाली। दीदी नहीं प्लीज नहीं। एक शर्त, अगर तू मुझे डेली चॉकलेट खिलाएगा तो। हाँ ठीक है ठीक है। चल अब आ जा। तो पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, लेकिन सिम्टम्स मुझे रेबीज के लग रहे हैं। किसी पालतू कुत्ते ने या फिर जंगली जानवर ने कभी काटा था क्या? ओके डॉक्टर विश्वजीत, सेंड सैंपल क्विक टू द लैब। आई एम सॉरी टू से मिस्टर दीपके, आपके बेटे को रेबीज हुआ है। अब इसका कोई इलाज नहीं है, उसके पास समय बहुत कम बचा है। हाँ।
हौले से सिरहाने में रख कर ये यादें मेरे मन की झोली में छोड़ कर ये यादें आँखों से ओझल हो न जाना तू साथी उड़ता सा बादल हो न जाना धागा ये टूटे ना ये धागा बरसों की यादों का ये धागा हर साल 28 सितंबर को हम एंटी रेबीज डे मनाते हैं। रेबीज यह एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है और इस बीमारी में लोगों को क्या मालूम होना चाहिए, इस बीमारी के रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, इस बारे में ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट और इसके स्टूडेंट की तरफ से डॉक्टर शंकरराव चव्हाण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नांदेड़ की तरफ से, यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है, इसकी मैं तारीफ करता हूँ। और अब हम जानते हैं कि रेबीज़ ये किसी भी पशु के बाइट से या एनिमल बाइट से हो सकती है, लेकिन भारत में बहुत सारी 95% से ज़्यादा केसेस डॉग बाइट की वजह से होती है। तो कोई भी डॉग बाइट होता है तो हमको उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। उस हालत में हमने किसी प्राइवेट प्रैक्टिशनर या गवर्नमेंट डॉक्टर के पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहिए। प्राइवेट प्रैक्टिशनर को इसकी इलाज के बारे में या प्रतिबंध के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। रेबीज ला इलाज है, रेबीज का कोई इलाज नहीं है, इट इज़ 100% फेटल, लेकिन रेबीज होने से हम 100% बच सकते हैं। इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन हमारे पास है जिसे एंटीरेबिक वैक्सीन कहा जाता है और इसका 4 या 5 शेड्यूल होता है। अगर इंट्रामस्कुलर हम लेते हैं तो 5 शेड्यूल डेज होते हैं, उस दिन लेना पड़ता है। कोई एक डोज में रेबीज का प्रतिबंध नहीं होता है। अगर ये किसी की ये मालूमात है वो भ्रांति है, वो गलत है। और इसी के साथ साथ और एक बात मैं जो बताना चाहता हूँ कि अगर बाइट बहुत सीवियर है, जिसे हम क्लास 3 बाइट कहते हैं, डीप बाइट है, खून निकला है,
इस हालात में उसको क्लास 3 बाइट कहते हैं, और उस समय एआरवी के साथ वैक्सीन के साथ हमें एंटी रेबीज सीरम देना भी बहुत ज़रूरी होता है, और यह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उपलब्ध होता है, प्राइवेट में कुछ कुछ मेडिकल स्टोर्स में भी उपलब्ध होता है। थोड़ा महंगा होता है लेकिन वो लेना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमारी जान बच सकती है, बचती है। तो एआरवी के साथ एआरएस लेना भी बहुत ज़रूरी है, और डॉग बाइट होने के बाद या किसी एनिमल बाइट होने के बाद हमारे पास बहुत अच्छा प्रतिबंध है। हम ना किसी क्वैक के पास या कोई इधर इधर उधर की कोई तांत्रिक मांत्रिक के पीछे ना पड़ते हुए हम एआरवी और एआरएस ले और पूरा शेड्यूल ले, तो निश्चित तौर पर हमारा जो पेशेंट होता है उसका रेबीज से प्रतिबंध होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी मालूमात लोगों तक पहुँचना चाहिए, और इस तरह से वो पहुँच रही है, इसे इसका मुझे बहुत आनंद है। धन्यवाद। हर साल रेबीज के कारण लगभग 61,000 मौत पूरे विश्व में होते हैं, जिसमें से 95% केसेस एशिया और अफ्रीका से होते हैं। पूरे भारत में रेबीज के कारण हर साल 18,000 से 20,000 मौत होते हैं। भारत में होने वाले मौत में 30% से 60% मौत 15 साल से नीचे के उम्र के बच्चों में पाई जाती है। रेबीज एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो कि लीजा वायरस नाम के विषाणु से होती है। यह विषाणु पेट एनिमल्स जैसे कि डॉग है, कैट है, हिंस्र प्राणी जो जंगलों में पाए जाते हैं जैसे कि लायन है, टाइगर है, लोमड़ी है, मंकीज है, इनके सलाइवा में पाया जाता है। अगर यह जानवर हमें काटते हैं तो इस वायरस का संक्रमण हमारे शरीर में ब्लड के थ्रू होता है। मुझे लगता है इससे बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रॉपर वैक्सीनेशन और अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए एज ए डॉक्टर मुझे लगता है कि रेबीज की सही जानकारी, सावधानी और जल्द ट्रीटमेंट यही रेबीज से बचने का असरदार उपाय है। रेबीज बीमारी में इंक्यूबेशन पीरियड का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। इंक्यूबेशन पीरियड यानी जिसे टाइम पीरियड बिटवीन एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अपीयरेंस ऑफ क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम ऐसे कहा जाता है। यानी किसी भी बीमारी के जंतु इंसान के शरीर में जाने के बाद एक समय सीमा लेने के बाद जो भी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं उस समय सीमा को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। रेबीज बीमारी के अंदर इंक्यूबेशन पीरियड की कोई समय सीमा तय नहीं होती है, कम से कम 3 दिन से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कई वर्षों तक की समय सीमा लेकर रेबीज के सिम्टम्स डेवलप होते हैं, और रेबीज बीमारी एक बार लग जाती है तो उसका कोई इलाज नहीं होता है। रेबीज के शुरुआती लक्षण सामान्यतः बहुत ही कॉमन होते हैं, जैसे कि बुखार आना, दर्द, बदन दर्द करना, मांसपेशियों में जकड़न होना, मामूली सी खराश, सर्दी जैसे लक्षण दिखाई देना, और एक कॉमन सिम्टम दिखाई देता है जिसमें जिस जगह पर कुत्ते ने काटा है उस जगह पर झंझनाहट से महसूस होना। शुरुआत में इस तरह के लक्षण लेकर बहुत सारे मरीज हॉस्पिटल में आते हैं, और जैसे जैसे रेबीज कंफर्म डायग्नोसिस की ओर बढ़ता है तो उसमें पेशेंट को पानी पीने में काफ़ी तकलीफ होना, पानी से डर लगना, हवा से डर लगना और आवाज़ से डर लगना, जिसे सामान्यतः एरोफोबिया, फोटोफोबिया, हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगना, एरोफोबिया यानी हवा से डर लगना, फोटोफोबिया यानी लाइट या उजाले से डर लगना। रेबीज के ये बहुत ही, एक बार रेबीज होता है तो बहुत ही कॉमन तरीके से ये लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है पेशेंट की हालत और बहुत बेहद नाजुक होती है, फिर उसके बाद पेशेंट कोमाटोस कंडीशन यानी कोमा में चला जाता है और उसके बाद पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। रेबीज की बीमारी ना हो इसलिए जख्म का इलाज एक महत्वपूर्ण स्टेप है, जिससे हम जख्म में मौजूद रेबीज वायरस को बाहर निकाल देते हैं। जख्म का इलाज यदि सही तरीके से किया जाए तो 80% लोगों को रेबीज बीमारी होने से बचाया जा सकता है। लेकिन ये स्टेप में पालतू या जंगली जानवर के दांत से यदि खरोच हो गई हो या एक या उससे ज़्यादा जख्म हो गई हो, सबको जल्दी से जल्दी इलाज करना चाहिए। इसमें सबसे पहले जख्म को भरपूर साबुन और पानी से, जैसे कि नल का बहता हुआ पानी, कम से कम 15 मिनट तक धोना चाहिए। बाद में जख्म को टिंचर या पोविडिन आयोडीन सॉल्यूशन लगाना चाहिए। जख्म को टाके देने से बचना चाहिए, और यदि बहुत आवश्यक हो तो एक या दो दिन के बाद रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ
कम से कम टाके देने चाहिए और जख्म को ड्रेसिंग नहीं करनी चाहिए। जानवर के काटने पर करीब के दवाखाने से एंटी रेबीज वैक्सीन का इंजेक्शन जल्द से जल्द लगवाएं। जानवर के खरोचने या दांत मारने पर खून न निकले तो केवल एआरवी का इंजेक्शन ही काफी है, पर अगर खून निकलता है जख्म में से तो आपको एंटी रेबीज सीरम ये इंजेक्शन जख्म में लगवाना होगा। एंटी रेबीज वैक्सीन के दो टाइप के रेजिमन है, एक इंट्राडर्मल रेजिमन, दूसरा इंट्रामस्कुलर रेजिमन। इंट्राडर्मल रेजिमन में चार इंजेक्शन लगेंगे, एक 0, 3, 7 और 28 डेज पर, और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में पांच रेजिमन लगेंगे, 0, 3, 7, 14 और 28 डेज पर। कई बार जानवर के काटने के बाद एआरवी के इंजेक्शन के अलावा एआरएस इंजेक्शन भी दिया जाता है। जब भी आपके घाव से खून निकलता है तब आपको ये इंजेक्शन लेना बहुत जरूरी है और ये जल्द से जल्द इंजेक्शन लेना चाहिए। ये इंजेक्शन आपको सरकारी अस्पताल में मुफ्त में मिल जाएगा। ये इंजेक्शन दो प्रकार के होते हैं, ह्यूमन और इक्वाइन, और दोनों भी समान तरह से असरदार है। नमस्कार। हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है रेबीज की रोकथाम को रोकने के लिए लोगों को जागृत करना। जैसे कि आप जानते हैं कि जिसको रेबीज होता है उनमें लोगों की मृत्यु होती है, इसलिए अपने को जरूरी है कि रेबीज होने के पहले ही उसका उपचार करें। ये दिन लुईस पाश्चर की मृत्यु को रेखांकित करता है जिन्होंने पहली रेबीज की वैक्सीन बनाई थी। रेबीज की रोकथाम के लिए लगने वाले वैक्सीन सभी सरकारी दवाखानों में मुफ्त उपलब्ध है। कृपया किसी भी जानवर के काटने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। धन्यवाद।